डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले फन समाकलितता की परिभाषा देखेंगे। इसमें यदि है जी स्टार और जी डे जीरो कोई दो ग्रुप हैं तथा एफ प्रतिचित्र एफ निम्न प्रकार परिभाषित है, एफ ए स्टार बी बराबर एफ ए जीरो एफ बी, फोर आर ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ जी, तब एफ जी से जी डेस में समाकारिता कहलाती है। तो ये आपका समाकारिता की परिभाषा है। अर्थात यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी अर्थात संयोजन का प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंबों का संयोजन है। तो ये जो आपका एफ प्रतिचित्रण है ग्रुप जी से जी डेस के अंदर, वो आपकी एक समाकारिता कहलाती है। और आप देख रहे हैं कि अर्थात ये इस तरह से आपके पास बन गई। आपके पास यहाँ पर अपन देख रहे हैं इसके अंदर इमेज आपके पास है, यहाँ संयोजन का प्रतिबिंब, मीन्स एफ ए स्टार बी इक्वल टू कितना है, प्रतिबिंब बो का संयोजन है, कंपोजिशन ऑफ इमेजेज, इमेज ऑफ कंपोजिशन इक्वल टू ये आपका एफ ए और एफ बी का कंपोजिशन है। तो ये आपका एफ आपका समाकलिता है ग्रुप जी से जी डेस के अंदर। तो यहाँ आप अर्थात यूँ देखें कि अपने पास ये आपका ग्रुप जी है, ये ग्रुप जी डेस है, इसके अंदर अवयव ए है, ये दूसरा अवयव बी है। इन दोनों अवयवों के बीच में ऑपरेशन अपन ने करवाया, ऑपरेशन वाला अवयव ए स्टार बी बन गया, ए स्टार बी बना। तो यहाँ इस ए की इमेज एफ ए है, बी की इमेज एफ बी है, और इन दोनों की का कंपोजिशन, क्योंकि जी डेस के अवयव है, जी डेस के अंदर आपके पास ऑपरेशंस इस तरह का डिफाइन है, ग्रुप जी में स्टार ऑपरेशन डिफाइन है, तो ए और बी जी के होते हैं, ए स्टार बी जी का अवयव होगा। तो एफ ए और एफ वी के बीच में अपन ने संयोजन करवाया, वो जी डेस का अवयव होगा। तो आप देख रहे हैं कि ए स्टार बी की इमेज एफ इमेज है वो कितनी है, एफ ए ऑफ एफ बी है, ये एफ इमेज है। तो मीन्स इस अवयव ए की इस अवयव बी के साथ में संयोजन करवाया, और वो रिजल्ट आपके पास एफ ए का एफ बी के साथ में संयोजन, उसकी एफ इमेज आ गया। तो ये आपका यदि ऐसी स्थिति है तो ये एफ जो प्रतिचित्रण है ग्रुप जी से जी डेस में, वो एक समाकारिता कहलाते हैं। अब ये जो समाकारिता है एफ जी से जी डेस में समाकारिता है, तो ये जो समाकारिता है आपकी कौन सी एफ कहाँ से जी से जी डेस के अंदर, और ये जी से जी डेस में समाकारिता है, ये समाकारिता आपकी है वो आपकी अंतरकारिता एंडोमोर्फिज्म कहलाता है। कब, यदि ग्रुप जी और ग्रुप जी डेस दोनों समान हो। अर्थात यदि कोई समाकारिता ग्रुप जी से जी में परिभाषित है तो वो समाकारिता अंतराकारिता कहलाती है। क्या कहलाती है, अंतराकारिता कहलाती है। यदि एफ और दूसरी ये जो समाकारिता है एफ आपका एक एक ही है
तो इस समाकारिता को अपन एक एक की समाकारिता कह देते हैं। कौन सी समाकारिता? एक एक की समाकारिता कह देते हैं। तो ये समाकारिता है वो एक एक की समाकारिता है, समाकारिता है, मोनोमॉर्फिज्म है। कब? यदि एफ क्या हो? एक एक की है। तो ये मॉर्फिज्म आपकी है, मोनोमॉर्फिज्म कहलाती है। ये जो मॉर्फिज्म आपके है आच्छादक समाकारिता कहलाती है, समाकारिता कहलाती है। कब? यदि एफ आपका आच्छादक हो, ऑन टू हो एफ, तो ये मॉर्फिज्म आपका इपी मॉर्फिज्म कहलाती है, इपी मॉर्फिज्म कहलाती है। और यदि एफ एकेकी और आच्छादक दोनों है तो ये जो समाकारिता है तुल्यकारिता कहलाती है, आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। फिजम तो मीन्स एफ कैसा हो, यदि एफ एकेकी और आच्छादक हो, यदि एफ एकेकी तथा आच्छादक है तो ये जो समाकारिता है वो क्या कहलाती है? तुल्यकारिता कहलाती है, आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। और यदि आपके पास एफ ग्रुप जी से जी डेस में एक तुल्यकारिता है तो ये जो दोनों ग्रुप आपके हैं, तब ये दोनों ग्रुप आपके पास हैं ग्रुप जी और जी डेस, जी तथा जी डेस, वो तुल्यकारी ग्रुप कहलाते हैं, तुल्यकारी ग्रुप कहलाते हैं, कारी ग्रुप कहलाएंगे। कब? जब ग्रुप जी से जी डेस में जो समाकारिता हो एक एक ही आच्छादक है, तो ये दोनों ग्रुप आपके पास हैं तुल्यकारी ग्रुप कहलाएंगे। और इसको अपन इस तरह के सिंबल है दोबारा व्यक्त करेंगे। और ये जो आपके पास है, यदि जी और जी डेस दोनों समान है, तुल्यकारी ग्रुप है या तुल्यकारिता है, और ये तुल्यकारिता आपकी समाकारिता कहलाती है, समाकारिता आइटोमॉर्फिज्म है, आइटोमॉर्फिज्म कहलाएगी। कब? यदि आपका जी और जी डेस है, जी बराबर जी डेस है, जी और जी डेस दोनों क्यों समान है, ग्रुप जी और जी डेस दोनों सेम ही हैं, तो आपका ये जो तुल्यकारिता है वो तुल्यकारिता समाकारिता कहलाती है। अर्थात यदि अपन समाकारिता को परिभाषित की थी तो मीन्स आपका एक यदि एफ ग्रुप जी से जी में एक एक की आच्छादक समाकारिता है तो आपके पास ये जो समाकारिता है वो क्या कहलाती है? समाकारिता कहलाती है, समाकारिता कहलाती है। लास्ट आपकी डेफिनेशन आती है समाकारिता की, अष्टे समाकारिता की अष्टे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म डिफाइन हो, तो यदि एफ ग्रुप जी से जी डेस में समाकारिता है तब जी का उपसमुच्चय
के जो कि इस तरह से परिभाषित है, उसके अंदर जी के वो अवयव हैं जिनकी एफ इमेज है, जी डेस का तत्समक अवयव है, जहाँ ई डेस क्या है, जी डेस में तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। तो जी का उपसमुच्चय के समाकारिता एफ की अष्टी कहलाता है, अष्टी कहलाती है। तो समाकारिता एफ की अष्टी मीन्स जी के उन अवयवों का समुच्चय है। इसको यह लिखा या इसको के को इस तरह से लिख दीजिए कि वैसे दे एक्स एलिमेंट्स ऑफ जी सच दैट एफ एक्स बराबर ई डेस। तो ये आपका समाकारिता की अष्टी हो गई, जहाँ एफ आपका जी से जी डेस में आपका क्या कहलाते हैं, एक समाकारिता है। तो ये आपके कर्नल ऑफ एफ की परिभाषा हो गई। तो मीन्स ये आपका समुच्चय जी है और ये समुच्चय जी डेस है। जी डेस में एक तत्समक अवयव या ई डेस है। अब जी का ये अवयव आपके पास है, समुच्चय है इसके अंदर, ये आपका के नाम दे दें। और इससे देख रहे हैं इस के प्रत्येक अवयव की एफ इमेज वो ई डेस आपको प्राप्त हो रही है। कितनी आ रही है, ई डेस आ रही है एफ अवयव इमेज। तो ये आपका के है वो आपका समाकारिता एफ की अष्टी कहलाता है। ये जो समाकारिता एफ जी से जी डेस में वो आपके अष्टी कहलाता है, कर्नल ऑफ एफ। तो ये के आपका है समाकारिता कारिता एफ की अष्टी है, अष्टी है। अभी अपन एक क्वेश्चन देखते हैं समाकारिता पर। फॉर एग्जाम्पल अपन लें कि एक इस तरह का एक सिंपल सा एग्जाम्पल अपन समाकारिता के लिए ले लें। इजी सा क्वेश्चन ले लें अपन समाकारिता के लिए कि मान लीजिए एक फंक्शन अपन एफ डिफाइन करें, एक आपका देखते हैं कि आर प्लस वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ये आपका क्या है, एक ग्रुप है। आप देख रहे हैं कि एस शून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, गुणन संक्रिया के लिए ये भी आपका एक ग्रुप है। और एक फंक्शन आप डिफाइन करें एफ आर से आर जीरो के अंदर, वो इस तरह से आपके पास परिभाषित करें कि सच दैट कि एफ एक्स बराबर जो कि फॉर एक्स, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ आर, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ आर। आप देख रहे हैं कि ये जो आपका मैपिंग आपकी है एफ आर से आर जीरो के अंदर, देख रहे हैं कि एफ आपका आर से आर डेस में एक समाकारिता है। इस तरह से परिभाषित एफ आर से आर जीरो में समाकारिता है, इसको आपको दिखाना है। इसको समाकारिता दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या एफ दो ग्रुप है, एफ इस तरह से है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स जो कि पावर एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ आर। आपको दिखाना है कि एफ आर से आर जीरो में समाकारिता है, ये आपको दिखाना है। तो समाकारिता दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना है कि आपको, क्योंकि आर के अंदर योग की संक्रिया है, एफ
या आर से आपको एफ डिफाइना है आर जीरो में गुणन संक्रिया के लिए। इसको समाकलिता दिखाने के लिए आपको दिखाना है एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए ऑफ एफ बी फॉर ऑल ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ आर। यदि आप ये रिजल्ट दिखा देते हैं तब आप कहेंगे कि एफ आर से आर जीरो में एक समाकारिता है, ये आपको दिखाना है। तो आप देख रहे हैं कि सिंस एफ ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, एफ आपका डिफाइन है दो की पावर ए प्लस बी, आपका एफ आपका डिफाइन आपका कैसा है, ये आपको ये तो रिजल्ट आपको दिखाना है। ये और एफ आपका डिफाइन है आर से आर जीरो के अंदर सच दैट एफ एक्स बराबर दो की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ आर। इसको जैसे नंबर एक दिया तो ये कहाँ से आ जाएगा, एक से, इक्वल टू दो की पावर ए और गुणा दो की पावर बी इक्वल टू ए और बी आर के अवयव हैं तो यह आ जाएगा एफ ए गुणा एफ बी। सिंस ए और बी एलिमेंट्स है आर के तो इम्प्लाइज एफ ए बराबर दो की पावर ए तथा एफ बी बराबर दो की पावर बी, कहाँ से, एक से, एक से यार। तो अपन देख रहे हैं कि एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए गुणा एफ बी फॉर ऑल ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ आर तो इम्प्लाइज एफ आर से आर जीरो में एक समाकारिता है। अब ये जो समाकारिता एक एक ही है या अच्छा देखा है वो बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।